अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये वाला व्लॉग जो है रात से स्टार्ट किया था मैंने, तो रात को जो है ना खाना वगैरह बना चुके थे पहले, मतलब मम्मा जो है ना बना चुकी थी पहले आलू, और जो है ना मैं सिर्फ रोटी बना रही थी। आलू जो है ये फ्राई आलू है, इसमें जो है ना सिर्फ टमाटर जाएगा, ठीक है, और आलू वगैरह, मतलब आलू बनाए सारे गले आलू ही जाएंगे। आलू हो गए, टमाटर हो गए, और इसके अंदर जो है ना प्याज हमने ऐड नहीं की थी, और इसके अंदर सिर्फ मसाले थोड़े बहुत, ठीक है। इसकी जो है ना रेसिपी मैंने उससे पहले भी शेयर कर दी थी जो मैंने खुद बनाए थे उस वक्त, तो ये मामा की रेसिपी है, ठीक है। तो मामा ने खुद बनाए थे, तो मैं सिर्फ जो है ना रोटी बना रही थी। मैं सिर्फ दो रोटियाँ बनाई थी क्योंकि जो है ना हमने बर्गर जो है ना वो मंगवाए थे, तो हमने कहा अगर किसी ने थोड़ी बहुत खानी होगी तो खा लेंगे। वैसे हमने आलू बनाए थे, लेकिन ये वाले आलू जो है ना आप ट्राई करना, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे ये वाले आलू जो है ना ज़्यादा नान के साथ या तो चपाती जो होती है उसके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और साथ में दही चटनी वगैरह हो तो और ही मज़ा आ जाता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर करना, अगर आप ये आलू बनाएं तो आप कोशिश करना कि नान हो जाए या फिर चपाती हो जाए, साथ में चटनी हो, और चटनी भी वो वाले जो सही स्पाइसी हो, मतलब जिसमें ग्रीन चिली जो होती है सही ज़्यादा हो, ठीक है। उसके साथ बहुत आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है। आप लोग ट्राई ज़रूर करना, ठीक है, और बहुत ईजी है। खुद बनाए थे, उस वीडियो का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, अगर किसी ने देखनी हो तो आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जी अगर गर्मी हो और लस्सी ना हो तो फिर तो मज़े नहीं आना, ठीक है। तो भी मैं यहाँ बना रही थी लस्सी, ठीक है, और सिंपल सी लस्सी थी, दूध दही और नमक, ठीक है, सिंपल सही चीज़ तो सबको बनानी आती ही होगी कि ना। तो वैसे ज़्यादातर ना लस्सी जो है ना, जो लस्सी कहते हैं जो मक्खन से शायद बनता है, शायद उससे ही बनता होगा, बनती होगी, बनता होगा कह रही हूँ, तो वो ज़्यादा मज़े की होती है, और दही वाला भी मज़े का ही होता है। लेकिन पता है क्या, शहरों में जो है ना लस्सी नहीं मिलती, तो वहाँ पे जो कढ़ी होती है वो भी दही की बनाते हैं, और जो लस्सी होती है वो भी दही की बनाते हैं, तो वो लोग जो है ना इस चीज़ के आदी होते हैं। लेकिन गाँव में जो है ना लस्सी जो है ना ईज़िली मिल जाती है हर जगह से, लेकिन आजकल जो है ना गाँव में भी नहीं मिल रही, तो हम लोग जो है ना अब दही की बना लेते हैं। तो कढ़ी भी बनानी हो तो वैसे कढ़ी तो लस्सी की ही बनती है ज़्यादा, क्योंकि दही वाली कढ़ी जो मुझे नहीं पसंद इतनी ज़्यादा, तो मुझे जो है लस्सी भी इतनी ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन कभी कभार जो है ना पी लेते हैं, मज़ा आ जाता है, गर्मी मतलब चल जाता है काम। तो यहाँ पे मैं लस्सी बनाई थी, तो जो दूध डाल के दही और नमक, तो बहुत मज़े की बनी थी ठंडी ठंडी लस्सी। तो जी यहाँ पर हमारे जो है ना सिंगर बर्गर आ चुके थे, तो ये वाले बर्गर जो है ना सिंगर मामा ने मंगवाए थे, तो ये मामा की तरफ से एक छोटी सी पार्टी हो गई थी हमारे लिए ना। पहले जो है ना सिंगर बर्गर नहीं पसंद है, मतलब अभी कुछ टाइम हुआ है जो मुझे अच्छे लगने लगे हैं। वैसे मैं जो है ना सिंपल बर्गर ही खाती थी, तो ये राहत के हमने मंगवाए थे। वैसे हम जो है ना इटालियन के खाते थे, लेकिन हमने फर्स्ट टाइम राहत के मंगवाए थे, ये बहुत ही मज़े के थे। तो बर्गर जो है ना काफ़ी लेट आए थे, हमने थोड़ा सा खाना खा लिया था, लेकिन वेट कर करके ना बहुत लेट आए थे, लेकिन थोड़े से खाए थे। फिर अगले दिन मैंने बाकी जो है मैंने सुबह खाया था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे मतलब शाम का टाइम था, और तूफान आया हुआ था बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तूफान आया। ये देखिए आपको कुछ ज़्यादा जो पड़ी हुई नज़र आ रही है, वो इतना तूफान आया था पिछले दिनों में, ईद के दिनों में जो आया था, ये वाली जगह जो है ना उतर के उखड़ के मतलब खुद ही नीचे आ गई थी, बहुत ज़्यादा तूफान आजकल जो है ना आ रहा है। मतलब ये हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन जो है ना तूफान आ जाता है, और थोड़ी बहुत बारिश अगर होनी हो तो हो जाती है, लेकिन तूफान जो है ना गंद बना जाता है, बहुत ज़्यादा गंद बन जाता है घर में भी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मैंने की थी अपने लिए सेल्फ केयर के लिए। तो ये मैंने लिया था एक सॉफ्ट टच का क्लिनजिंग मिल्क, सॉफ्ट टच का जो है ना प्रोडक्ट मैंने फर्स्ट टाइम ली है, ठीक है, तो मैं यूज़ करूँगी और आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। और ये जो है ना मुझे सिर्फ 100 में मिला है, ठीक है, सॉफ्ट टच का क्लिनजिंग मिल्क, रिजनेबल भी है और आई थिंक अच्छा भी है, मैंने काफ़ी सुना है इसके बारे में कि ये ठीक है। तो मैं वैसे जो फेशियल यूज़ कर रही थी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो है ना तकरीबन उसको 1.5 साल एक हो गया है, तो अभी आई थिंक मुझे वो यूज़ नहीं करना चाहिए, इस वजह से मैंने जो है न्यू लेना है। फिलहाल मैंने सिर्फ क्लिनजिंग मिल लिया है, और साथ में जो है ना ये मैंने हेवी नेचर की जो है ना डे क्रीम ली है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, और ये थी तकरीबन 330 मतलब 330 में, ठीक है, मुझे मिली है, और इसकी स्मेल जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी मैं यूज़ करके आप लोगों को बताऊँगी, ये भी मुझे कुछ न्यू सा लग रहा था तो मैंने ले ली। और अभी जो है ना सेल्फ केयर भी स्टार्ट करनी है, और मैं इंशाल्लाह अपनी जो है ना रूटीन जो होगी केयर वाली, जो भी डाइट प्लान जो भी मैं करूँगी, तो आप लोगों के साथ जो है ना इंशाल्लाह वो भी शेयर कर दूँगी, ठीक है जी। तो ये हो गया साइड पे, तो ये मैंने लिया है वो काली विटामिन ई का जो है ना हेयर
जो है ना मास्क लिया है, मैंने हेयर मास्क लिया है केराटिन, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा था। प्राइमर मैंने वैसे लेना था और ये मुझे सिर्फ मिला है 500 का, ठीक है। और बाल जो है ना बहुत बेजान से हो गए हैं, तो मैं ये वाला भी यूज़ करूँगी और कुछ जो है ना घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना वो भी ट्राई करूँगी। तो अभी मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी नहीं लगाया, तो इसकी वजह से वैसे मैं ऑयलिंग करती रहती हूँ, लेकिन वैसे जो है ना ये मास्क वगैरह मैंने कोई भी अप्लाई नहीं किए। तो ये वाला मास्क मैं अप्लाई करूँगी और साथ में जो घर वाले होते हैं खुद जो घर में बनाते हैं तो वो भी ट्राई करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे जो है ना ये स्टिकर वगैरह लगा रहा था तो ओपन नहीं हुआ, तो मैंने कहा चले फिर मैं आपको दोबारा जो है ना ओपन करके ना नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी जो मैं अप्लाई करूँगी। अभी जो है ना लेट हो चुका था, ये मैं रात को तकरीबन शूट कर रही थी, 11 का टाइम था तो मैं शूट कर रही थी, ठीक है। तो ये तो मैं लाई थी खाने के लिए अपने विस्पी, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर किसी ने मेरे पहले व्लॉग देखे हो रमज़ान से पहले या रमज़ान में, आई थिंक मैं रमज़ान में लाई थी, तो मुझे ये बहुत पसंद है। तो वो ख़त्म हो गई थी और काफ़ी टाइम हो गया ख़त्म हुआ भाई, तो फिर मुझे ये नज़र आए तो मैंने वहाँ पर ये भी ले लिए, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये थी छोटी सी शॉपिंग मेरी, आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी और मैं जल्दी आपको इसके ऊपर जो है ना रिव्यू दूंगी, ठीक है। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।